आपको वो एड याद है ना, ज्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी। नहीं तो ये देखिए, नीता ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी। I don't care। लगता नहीं तुम इस बार एग्जाम्स में टॉप करोगी। I don't care। हाय ये तेरी स्किन पे क्या हुआ? अब कहो I don't care। अब ये एड आपको क्या दर्शाता है? हाँ हाँ, अपार्ट फ्रॉम मैं बहुत बुढ़ी हूँ और ये मेरा बचपन था, पर ये नहीं, वो ये दिखाता है कि एक छोटा सा पिंपल आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा सकता है। तो पिंपल चाहे बड़ा हो या छोटा, काला हो या सफेद, लाल हो या हरा, आप उस छोटे से पिंपल की वजह से भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि आप अपने पिंपल्स को ठीक ही नहीं कर सकते बल्कि जड़ से उसका इलाज कर सकते हैं? कैसे, आइए जाने इस वीडियो में। तो पिंपल्स का जड़ से इलाज करने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि पिंपल्स होते क्यों हैं। देखिए, आपके और मेरे स्किन में ना पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे किसी घर में ड्रेनेज होता है, नाली होते हैं, पाइप होते हैं एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन करने के लिए, उसी तरह पोर्स हमारे स्किन का ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिससे ऑयल ग्लैंड बाहर निकलता है, गैस का एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीटा मटेरियल बाहर निकलता है, इवन समटाइम्स सॉल्ट भी बाहर निकलता है स्वेट के माध्यम से। तो अगर ये पोर्स ब्लॉक हो गए, वो एक तरह से आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया। और जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तब क्या होता है? पानी ओवरफ्लो होने लगता है। तो अगर आपके पोर्स ब्लॉक हो गए तो जो अंदर का ऑयल है, जो बाहर निकल जाना चाहिए था आपकी स्किन को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए, उसकी जगह वो ऑयल आपकी स्किन के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जिसके वजह से बन जाते हैं ब्लैक हेड और वाइट हेड। और अगर आपने अपने स्किन कॉमेडोन्स का उस टाइम इलाज नहीं किया तो वो और बड़े और भयंकर बन जाते हैं और लाल कलर के पिंपल्स या पस फिल्ड पिंपल्स बन जाते हैं, जो इवेंचुअली आपको दाग और धब्बे दे सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता लगा? ये जो ब्लैक हेड वाइट हेड है ना, ये सोए हुए वॉल्केनोज हैं। दीज आर लाइक बेबी वॉल्केनोज, कभी भी फट सकते हैं। तो अगर आपको अपने पिंपल्स का परमानेंट इलाज चाहिए तो इन ब्लैक हेड और वाइट हेड को आने से पहले ही रोक देना है। और अगर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड अपने स्किन में दिख रहे हैं तो उसी टाइम उसका इलाज करना है। ये नहीं वेट करना है कोई लाल पिंपल बनेगा या पस फिल्ड पिंपल बनेगा तब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हम ट्रीटमेंट तब स्टार्ट करेंगे जब हमें ब्लैक हेड या वाइट हेड नजर आ रहा है। अब ब्लैक हेड तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत इजीली लोगों को पता होता है ब्लैक हेड क्या होता है। मेन प्रॉब्लम आती है वाइट हेड को समझने में। तो आपको कैसे समझ आएगा कि आपके फेस पे वाइट हेड या ब्लैक हेड है? आप अपनी आंख बंद करिए और अपने स्किन को अपने फिंगर टिप से टच करिए। अगर आपको कुछ खुरदुरा सरफेस महसूस हो रहा है, कुछ बम्पीनेस, कुछ माइल्ड ग्रैन्यूलर पिंपल्स टाइप लग रहे हैं, मतलब आपके स्किन में कॉमेडोन्स हो रहे हैं, मतलब आपके पोर्स ब्लॉक्ड हो रखे हैं, तो जाइए अपने डॉक्टर के पास और पूछिए उनसे कि कॉमेडोन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। बट मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि कैसे आप अपने ब्लैक हेड वाइट हेड का घर पे बैठकर इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बेसिक स्किन केयर को ध्यान दीजिए। फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो एक्सफोलिएटिंग हो, मतलब लेयर बाय लेयर आपके स्किन को पील ऑफ करे जिससे आपके पोर्स खुल जाए। यूजली एचए बीएचए कंटेनिंग फेस वॉश बहुत ही अच्छे होते हैं कॉमेडोन्स को ठीक करने के लिए। आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। मॉइस्चराइजर सुबह और शाम लगाने से आपके ऑयलीनेस स्किन का भी कंट्रोल होगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और साथ ही साथ आप आगे लेने वाले एक्ने मेडिकेशन भी अच्छे से ले पाएंगे। लेकिन मॉइस्चराइजर एक्ने प्रोन स्किन के लिए नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मॉइस्चराइजर इतना ग्रीजी, इतना रिच और इतना क्रीमी हो कि वो आपको पोर्स को ब्लॉक करके कॉमेडोन बना दे। तो एक नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर लाइक एक्सेला और एक्रोफाई आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए एज वेल एज नॉन कॉमेडोजेनिक मेंटेन करने के लिए। और सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि सनस्क्रीन तो हर किसी को लगाना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ स्किन कंसर्न और स्किन टाइप। देन आते हैं
कॉमिडोन एक्सट्रैक्शन पे। ना ना, वो डरावने वीडियो नहीं जिसमें आप घर बैठ के पिंपल को पॉप कर रहे हैं। मेडिकल पिंपल पॉपिंग विच शुड बी डन ओनली बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज कॉमिडोन एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा आप बाकी कोई भी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी स्किन पील हो रही है, जिसके वजह से आपके कॉमिडोन कम हो रहे हैं, चाहे वो केमिकल पील्स हो, चाहे फोटो फेशियल हो, कार्बन फेशियल हो, एलईडी बेस्ड ट्रीटमेंट हो। ये सारे ट्रीटमेंट करके आप अपने पिंपल्स को कम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे एंटी एक्ने जेल लगाना चाहते हैं जिसमें बेंजोइल परऑक्साइड, एडाप्लीन या सैलिसिलिक एसिड हो, तो ध्यान रखिए कि आपको उनको सिर्फ बड़े रेड पिंपल्स पे नहीं लगाना है, आपको पूरे स्किन एरिया पे वो ट्यूब लगानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पूरा एरिया कॉमिडोन्स वाला डिक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑफ एंटी एक्ने जेल। सो टेक अ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द एंटी एक्ने जेल, स्प्रेड इट अक्रॉस द चीक्स। इफ यू विल ओनली टच द रेड एंड द पसफुल पिंपल्स, इट इज लाइक यू आर ट्रीटिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और टाइटैनिक तो पता ही था ना, आइसबर्ग से जुड़ के ही क्रैश हो गई थी, और हम नहीं चाहते कि हमारा स्किन केयर टाइटैनिक बन जाए। इसीलिए अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका पिंपल्स ठीक ही नहीं हो जाएगा, बल्कि आप अपने पिंपल्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम आया, तो आप मुझे दीजिए थम्स अप और सब्सक्राइब बटन दबाइए नीचे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।